हाँ ये अब मैं आपको सिलना बता रही हूँ। ये आप छोटा बड़ा जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। ये मैंने छोटा सा बताया, छोटे छोटे हम भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं उसके लिए मैंने बताया। ये आप बड़ा आसन भी बना सकते हो, बड़ा कपड़ा आपके पास हो तो। ये तो वेस्ट कपड़े जो बचते हैं हमारे पास ब्लाउज वाउज बनाने के बाद, छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं शाइनिंग वाले, तो उसको हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। आपने इसको निकाल लिया, इसका कोना निकाल लेंगे अच्छे से। कोई भी नुकीली चीज़ आप इसमें डाल के इसको अच्छे से इसके कोने आप निकाल लेना ऐसे। ये हमने इसको पलटा लिया है, सीधी साइड आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड खुला है यहाँ पे आज चाहे तो थोड़ा सा हल्का रुई डाल के भी या स्पंज डाल के भी भर सकते हो इसको। मैंने खाली ही इसको बंद किया है। अब इसको इस तरह से बंद करके एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। लाल आसन जो है दुर्गा माता के पूजा में भी काम आप ला सकते हो, लक्ष्मी माता के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब ये खुला है, यहाँ पे हम बंद कर देंगे इसको। अब ये सिलाई हमने लगा ली तो चारों ओर एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। इस तरह से चारों ओर से एक सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये बन गया है। देखिए इतना सुंदर सा आसन बन गया है। आप ऐसे छोटे बड़े सब बना सकते हो इस साइज के। इसके बाद मैं भगवान के जो ड्रेस बनाते हैं वो भी आपको बताती हूँ कैसे बना सकते हैं।